Hello and welcome again to YouTube Saheli channel. Hope you are doing good and you are filled with lots of positive thinking. आप सभी पॉजिटिव जरूर रहें क्योंकि लाइफ में अगर हम पॉजिटिव नहीं रह पाते तो फिर हम जीवन में हर जगह निराशा ही देखते हैं. तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इनफर्टिलिटी को झेल रहे हैं, परेशानी है आपको, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे, निराशा मिल रही है, तो ये चैनल यूट्यूब सहेली प्लेटफॉर्म आपके लिए है. आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने वीडियोस में क्रिएट किया है जिसको की समझकर फॉलो करके हजारों लाखों महिलाओं ने लाभ लिया है. सो फ्रेंड्स, गर्भ धारण करने के लिए मूल मंत्र क्या है, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, किन तरीकों से जल्दी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि सबूत के साथ, क्योंकि अब हमारे फीडबैक देखें तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स लगभग रोज हमें गुड न्यूज देते हैं. तो ये जो नेचुरल रेमेडीज एंड डाइट टिप्स हम आपसे शेयर करते हैं ये बहुत अमेजिंग है. जब आप इसको करना शुरू करते हैं तब आप इसके फायदे महसूस करने लग जाते हैं. सो फ्रेंड्स, मूल मंत्र क्या है आइए जानते हैं, जिसको कि आपको फॉलो करना है, बहुत अच्छे से याद कर ले या फिर लिख कर कहीं लगा दे जिससे कि आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें. पूरे महीने इन्हें फॉलो करना है. नंबर वन मूल मंत्र है कि डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. स्ट्रेस जो होता है ना, सबको है आज के टाइम में, किसे नहीं है, सब कोई को है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसका फिजिकल बेनिफिट है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई अच्छी होने से वो अच्छा काम करेंगे, एग स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा होगा, पीरियड्स रेगुलर होंगे, क्रैम्प कम रहेंगे आपको पीरियड्स में, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे तो आप अंदर से मजबूत और तंदुरुस्त होने लग जाएंगे. सो 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज, लेकिन फर्टिलिटी जर्नी है आपकी ये. तो इस इनफर्टिलिटी को बीट करने के लिए पतंजलि योग का 5000 साल पुराना योग आसन विपरीत करनी आसन खाली पेट आपको जरूर करना चाहिए. बहुत ही बेनिफिशियल है महिलाओं के लिए. केवल पीरियड डेज को छोड़ के बाकी सभी दिन इसको आप कर सकते हैं. सर्जरी या कोई एक्सेसिव हार्मोनल सेक्रेशन की कंडीशन में आप इसे न करें. एक परफेक्ट प्रीनेटल विटामिन आपको लेना चाहिए. प्रीनेटल विटामिन में क्या होना चाहिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, आयरन जरूरी है, विटामिन B12 जरूरी है, विटामिन D3, कैल्शियम, कॉपर, इनोसिटॉल, जिंक, फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ मिनरल्स भी, मैग्नीशियम इत्यादि. तो आप अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट करें और एक अच्छा सप्लीमेंट आप हस्बैंड वाइफ जरूर लें और एटलीस्ट 3 महीने तक लें. तीसरा मूल मंत्र है प्रोटीन युक्त डाइट. इंडियंस की डाइट प्रोटीन डेफिशिट होती है. क्यों, हम ध्यान नहीं देते कि हमारे डाइट में प्रोटीन है कितना. तो ऐसे में आपको केवल ये याद रखना है कि जितनी बार आप मील लेते हो, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स या रात का डिनर, हर मील में थोड़ा प्रोटीन हो. अब जैसे आपको कोई स्नैक्स लेना है तो उसमें आप रोस्टेड नट्स रख सकते हो. इवन इसको आप बाहर जा रहे हो, वॉकिंग हो, तो भी कैरी कर सकते हैं आप अपनी टी टाइम पे, उन स्नैक्स को आप ले सकते हैं. तो प्रोटीन आपके हर मील में थोड़ी मात्रा में होना बहुत बहुत जरूरी है जिससे कि अच्छी क्वालिटी के एगरोस्पर्म बन सके और हॉर्मोन्स आपके बैलेंस में रहे. नशा छोड़ दीजिए. तो आप सोचेंगे कि ये पॉइंट मेरे लिए नहीं है, मैं तो नशा नहीं करती. तो सोचिए कि क्या आप चाय पीते, क्या आप कॉफी लेते, ये भी एक एडिक्शन है, इसमें भी कैफीन पाया जाता है और ये आपको अपने चंगुल में लिए रहता है, आप इसे छोड़ नहीं पाते. एक बार अगर न लें तो आपका सर भारी हो जाता है. तो धीरे धीरे कम कीजिए, ग्रीन टी से रिप्लेस कीजिए. फर्टिलिटी के लिए मैंने कई अमेजिंग टी बताई है, उनको लीजिए. टी की क्रेविंग होती है उस समय कुछ हेल्दी सा स्नैक्स खा लीजिए, कोई लड्डू रख सकते हैं जो बहुत न्यूट्रिशियस हो, प्रोटीन रिच हो. इस तरीके से चाय को और कॉफी को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो इस आदत को, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है. अब बात आती है पांचवा आइडिया की. पांचवा आइडिया में आपको कुछ भी खाने को या करने को नहीं बताऊंगी, बस आपको अपने सोने का टाइम थोड़ा सा ठीक करना है. ये करने से ढेर सारा जो डिजिटल एक्सपोजर रहता है आपको, उससे बच जाओगे, तो आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, रेडिएशन से भी आप बचोगे, और साथ ही जो बॉडी की क्लॉक होती है, जब बॉडी बहुत अच्छे से हार्मोन बनाती है, वो सेट हो जाएगी. तो उससे क्या होगा, हार्मोन सेट होने से आपकी फर्टिलिटी बढ़ने लग जाएगी. तो आपको रात को 10 बजे के लगभग सो ही जाना चाहिए. अननेसेसरी टीवी चला के आप बैठे रहते हो, घड़ी की सुई कब तेजी से भाग जाती पता नहीं चलता. तो आप 10 बजे तक सोने का रूटीन रखें. सोने से 1-2 घंटे पहले आप मोबाइल फोन साइड में रख दें, आपस में जरूर बातचीत करें, बहुत ज्यादा जरूरी है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और सुबह जल्दी उठें ताकि
आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये 5 मूल मंत्र है, बेबी प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कपल्स को ये 5 चीजें जरूर फॉलो करनी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको टच जरूर कर दीजिए। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।